हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जिस शेयर को लेके आया हूँ उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसमें थोड़ा सा चार्ट पैटर्न अच्छा बना है और यहाँ पे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी गिरावट जो देखने को मिली थी वो हो गई ख़त्म। जो फाइनेंशियल उसका फॉल आया था उसके चलते इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली थी। अब लगता है कि अब इससे फर्दर यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड इसमें दिखाएगा। और जैसे कि आप सेंटीमीटर देख रहे हैं, बाइंग पोजिशन पर दिखा रहा है, 5,500 का एक लॉट होता है। तो अगर आप 75 का अगर इसका दिसंबर का बनाते हैं, अगर आप दिसंबर के इसके पोजीशन को बनाते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं और दिसंबर की पोजीशन को बनाते हैं 27 दिसंबर का, तो आप देखेंगे इसका लॉट तो 5,500 का है। और अगर 75 का भी बनाते हैं तो आपको तो जो लगेगा 6.45 रुपीज़ लास्ट चल रहा है। तो आप या तो 6.45 को 75 के आसपास देख सकते हैं, तो 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। या एक बार आप 80 का पेपर ट्रेडिंग 2.50 पे कीजिए, एक रिस्क लेने के लिए है, रिस्क ले सकते हैं। तो आप इसको एक बार एक काम कीजिए, 80 का लॉट पेपर ट्रेडिंग पे लीजिए 2.50 रुपये। अगर किसी के पास पैसा है तो वो 75 का लें या 70 का लें तो और भी अच्छा है। 70 का आपको 5.50 रुपये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है और दिसंबर में ये आप देखेंगे तो आपको ये आस पास 6.20 है, 5.65 है। 75 का भी आपको 4.50 में मिल जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप 75 का जो है 4.50 में ले लो। बोले लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसकी 6.45 हो, बट 4.50 में इसको 75 का मिल रहा था, तो 5,20,000 रुपये लगेगा आपको। और अगर इसकी बात करें 80 का, तो आपको 2.50 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है तो यहाँ मिल जाएगा। तो आप देखिए, अगर इसमें थोड़ी भी गिरावट आती है और 4 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो 20-25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है। पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, इसमें आपको फायदा हो सकता है। या आप पोजिशनल बेसिस पे आप 20-20 शेयर खरीद के, 25-25 शेयर खरीद के अपने पोजिशन में डालें। अगर नीचे गए तो बाई करनी है, अगर ऊपर गया आप 5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट के साथ तो आपको 60 शेयर के आसपास तो 70 शेयर आ जाएगा, 70 शेयर आ जाएगा 5,000 का आप लगाइएगा। तो आप 5,000 रुपये लगाइए इसमें, बाई कीजिए इसको और होल्ड पे डालिए। आपको 200-400-1000% की गारंटी है कि आपको इसमें फ़ायदा मिलने को आएगा विद इन 3 मंथ्स। आपको 30% का रिटर्न यहाँ से देखने को मिलना ही मिलना है। ऐसे मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, चार्ट बोलता है इसके लिए, चार्ट बताता है, वैसे इसलिए बता रहा हूँ। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लें क्या है ये। ये PNB है, एक बैंकिंग सेक्टर है। और ये देखेंगे तो ये भी 200 से लो बना चुका है 58 का। और कल जो मोर्थ ट्रेडिंग में इसने दिखाया तो 70-60 का लो बनाया और 71-20 का इसने हाई बनाया और 70-95 में क्लोजिंग दिया। अच्छी बात क्या है मैं बताऊँ, क्यों मैं इसको बाइंग करने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको चलिए दिखाता हूँ डिलीवरी पे। ये देखिए, जो डिलीवरी 12% हो रहा था, सीधा 44% पे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तो बाइंग अब इसमें चालू कर दिया। इस बाइंग का प्राइस बुक वैल्यू 6.55 पे मिल रहा है, तो यहाँ से इसको 88-89 जाते 90 तक जाते हुए देरी नहीं लगेगा। तो 20 रुपये भी मिलता है आपको, तो आप समझिए कि अगर आपको आज 70 रुपया है और 20 रुपया मिल रहा है तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ। तो 20 डिवाइड बाय 70 करेंगे तो आपको 30% रिटर्न आसपास मिल गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें आप पोजिशन बना के चलिए, आपको 30% रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, 3 मंथ्स के अंदर मिलेगा आपको। हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, लास्ट मंथ तक ही मिल जाए। तो आप 5,000 रुपये लगाइए इसमें, 70 शेयर 100 शेयर उठाइए और देखिए आपको क्या फ़ायदा होता है। आप बाई कीजिए इसको पोजिशन बेस पे 3 मंथ्स के लिए, तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए और नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बाई कीजिए तो अच्छा रहेगा आपको। एक्चुअल में इसका गिरावट इसके लिए हुआ था कि इसके फाइनेंशियल जो हुए थे तो प्रॉफिट अच्छा हुआ था, प्रॉफिट का इशू नहीं था। लेकिन हुआ क्या था कि इसका जो प्रोविजन इसने बुक किया था वो ज़्यादा बुक किया था, जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में चला गया था। आप देखेंगे तो इसमें सेल्स में जो जो इनकम आता है इनका, इनकम में कहीं खराबी नहीं थी। तो इनकम में 8,000, 9,000, 7,000, तो आप देखेंगे तो 17 की 8,148 करोड़ का इनको फ़ायदा हुआ था, सारे कुछ ठीक था। इनफैक्ट आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन देखेंगे तो यहाँ प्रॉफिट भी है 2,800 करोड़ का। लेकिन जब इसने प्रोविजन अनकंडेंसी किया, जो प्रोविजन किया उसके बाद इसमें लॉस में थोड़ा दिखने लगा। तो कोई इशू नहीं है, ये अब इससे ज़्यादा प्रोविजन क्या करेगा और करने दीजिए ये इसको। आप आपको किसी भी तरह भी देखेंगे, आप देखेंगे तो ग्रॉस NPA परसेंटेज 17% 8% है, ये सब गलत है। इतना इतना प्रोविजन, बैड प्रोविजन करके रखा हुआ था।
नीरव मोदी जी से कांड सारे, वो बहुत सारे कांड हो गए, चलिए हो गए जो होने थे, अब इसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा और जो प्रोविजन होने थे हो गए, तो अब इसमें गेन ही मिलने को है, कुछ जाने को नहीं है। और अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखेंगे तो आप देख लीजिए एक बार इसको, शेयर होल्डिंग परसेंट 66% के आसपास है, गवर्नमेंट का है। और टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए आप, इसमें ये सब होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। अभी देखिए सितंबर 18 में इन्होंने बाइंग किया है, तो ये फंड भी अभी डायरेक्ट ग्रोथ, ABSL डायरेक्ट ग्रोथ ने भी बाई किया इसको 0.18%, तो बाइंग चालू है। सितंबर 18 में देख रहे हैं अच्छे खासे लोग इसको बाइक कर रहे हैं, तो आपको भी बाइंग करनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा। और देखिए यहाँ पे DSP आर्बिट्रेज फंड ने, डायनेमिक फंड ने, ये सब सब DSP इक्विटी सेविंग फंड ने भी बाई किया है 0.64%। अब ये देखिए 0.770 पॉइंट, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट फंड ने 0.85 का बाई किया है, तो ये सब अच्छी अच्छी खासी बाइंग चल रही है। IDBI इक्विटी सेविंग ने 2.94% का बाई किया है इसमें डायरेक्ट ग्रोथ फंड में, तो इसके जो फंड मैनेजर है वो भी अब इसको बाई कर रहे हैं। अब ये देखिए इन्वेस्टको आर्बिट्रेज ने 3% बाई किया है, इंडिया बुल्स आर्बिट्रेज फंड ने 2.5% बाई किया है, और कोटक एडवांस ने 2.37% बाई किया है। तो जो म्यूचुअल फंड है वो लोग भी अब LNT ने बाई किया है, LNT इक्विटी सेविंग फंड ग्रोथ ने 5% की बाइंग की है। तो आप समझिए जब बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर लोग आप बाई कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी पोजीशन यहाँ पे बाई में बनानी चाहिए और आपको फायदा देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो कॉल पुट में भी अपने 80 के पोजीशन को, जैसा बताया आपने, आपको जो कि 2.50 रुपये मिल रहा है दिसंबर का, आप इसको लेके इसको बना सकते हैं, आपको फायदा देखने को मिल सकता है। इस तरह से आपको लास्ट डे का डिलीवरी परसेंटेज तो दिखाई दिया इसमें आपको मैंने, कि जो डिलीवरी है ये देखिए 24,59,000 शेयर का डील होता है, ट्रेडिंग हुआ, और 10,86,000 मैंने 44% की बाइंग हो गई, तो ये अच्छा चीज़ है, फायदेमंद की चीज़ है। और अब चलें जरा सा चार्ट पे, चार्ट पे क्या बताता है, क्यों मैं आपको इसको बाइंग के लिए बोला कि बाइंग करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ इसके सारे चार्ट लगा के देखे हैं, लगाए हुए हैं। तो इसमें जो वर्टेक्स है, सबसे BI जो है, इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और जो एज पर नॉर्म्स है ये लगभग अपने पॉजिटिव सिग्नल को तो क्रॉस कर चुका है जिसको, और निगेटिव सिग्नल में जो रेड वाला देखेंगे तो अभी 0.99 है जिसको 0.90 होना चाहिए। मतलब ये सिग्नल तो दे दिया बाइंग का, आपको बाइंग का सिग्नल देने में कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये बाइंग की ओर तो जा चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा और नीचे हो, और थोड़ा वेट कर देंगे तो और अच्छा पोजिशन बन जाएगा। आप इस पर भी बाइंग का सिग्नल बन चुका है, आप यहाँ पर भी देखिएगा सुपर ट्रेंड में देखिए, तो ये भी देखिए बाइंग का सिग्नल बना चुका है। तो अब एक यहाँ पे भी सिग्नल बन चुका है, यहाँ पे प्लस पॉइंट बन चुका है, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बना दिया। और ये देखेंगे तो ये भी एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे बोलिंगर बैंड्स में देखेंगे तो, यहाँ पे आप CCI में देखेंगे तो आप CCI देखिए इसको, CCI भी यहाँ पे जो है ऊपर की ओर जा रहा है अभी, तो आप ये देखिए ये भी ऊपर की ओर ले रहा है, तो CCI भी प्लस पॉइंट में। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसको MACD लाइन को देखें तो MACD लाइन भी ऊपर की ओर जा रही है। तो मैं आपको जहाँ पे भी दिखाऊँ, कोई भी चीज़ आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस की पॉइंट है, तो बोलिंगर बैंड में देख लीजिए ये ऊपर की ओर सिग्नल जा रहा है, एवरेज को क्रॉस करते हुए निकल रहा है। एवरेज इसका जो था यहाँ पे, ये 68.37 था, उसको क्रॉस करते हुए निकल रहा है। और अगर मैं आपको मूविंग एवरेज की बात करूं तो मूविंग एवरेज में देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल लगा के सपोर्ट लेवल लगाया हुआ आपको, तो अब जो ये चल रहा है, ये लास्ट जो चल रहा है, लास्ट दिन का आप देखेंगे तो ओपन किया 69 पे, हाई बनाया 71 का, लो बनाया 67 का, और जो इसने लगभग हाई बनाया था उसी हाई के आसपास जाके क्लोजिंग दे दी है इसने, 71.45 का हाई बनाया था उसी के आसपास क्लोजिंग दी। और ये फुल बॉडी जो है इसमें कोई भी विक्स टाइप का नहीं दिख रहा है, विक्स नहीं बना ऐसा दिख रहा, थोड़ा सा विक्स बना लेकिन ऊपर की ओर खुला है। ये बहुत ही अच्छा बाई सिग्नल है और विथ वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है और थोड़ी वॉल्यूम थी, लेकिन यहाँ पे जो बना था सिग्नल बाइंग का ये भी प्लस था, और इसके बाद जो बाइंग बना है तो वो भी आप देखेंगे लगभग जो ये फॉल किया था, ये 24 सितंबर को जो 2018 को फॉल किया था वीकली बेसिस पे, देखिए ये वीकली बेसिस का चार्ट है, तो यहाँ जो फॉल किया था इसने हाई बनाया था 74 का। अब यही 74 जो है इसका रेसिस्टेंस बनेगा अभी फर्स्ट, तो वही आप 73.32 देख रहे हैं, तो यही जो यहाँ पे फॉल करके 74.4 यही सबसे बड़ा इसका रेसिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करता है अभी 70 पे है,
70.95 है, तो 74 को क्रॉस करता है तो आपको पहला रेसिस्टेंस है, जो कि मुझे बिलीव है कि ये क्रॉस कर जाएगा, और आपको 82 भी दिखाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी इसका जो 21 डेज का डेमा है, वीकली डेमा जो है 21, वो अब सीधा 77 पे जाता है, इसलिए मुझे यहाँ से बिलीव है कि अब यहाँ पे से क्रॉस करेगा और 77 पे जाकर रुकेगा, और 77 के बाद ये 96 पे जाएगा, 96 के बाद फिर 113 पे। तो आप देख रहे हैं इसको निकल जाने दीजिए, फिर 113 की ओर जाएगा। आप देखेंगे ये यहाँ पे जो चार्ट है 77 का है, आप इसको ऊपर ले जाइए यहाँ पे 77, तो इसको यहाँ पे जाएगा अभी, तो अब जो यहाँ के बाद जाएगा वो 77 जाएगा, 77 के बाद फिर आपको बता ही दिया 96 के आसपास जाएगा, 96 के बाद फिर आपके पास 96 के बाद 113 के आसपास जाएगा। तो ये 96 के आसपास इसको ले लीजिए, अब चलिए इसको ऊपर ले लीजिए और इसको थोड़ा यहाँ पर ले लीजिए, तो ऐसा करके आप ये देखिए 77, 96 और 113, तो ये तीनों को ये आपका रेसिस्टेंस लेवल हो गया, और नीचे सपोर्ट लेवल है इसका, जो पहला सपोर्ट लेवल है इसका यहाँ पे 64 के आसपास है, और फिर उसके बाद जो है 59 का है, तो 64 का सपोर्ट है और 59 का सपोर्ट है। तो 59 जो इसने लो बनाया था यहाँ पे 58.48445, अब इसको लो नहीं बनाएगा, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, 58.45 जो बनना था बन गया, अब नहीं बनेगा। तो अब ये मान के चलिए कि अब यही इसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया है, और ऊपर की ओर 64 है, तो नीचे की ओर आपका 59 है और 64 है थोड़ा ऊपर उससे, तो 64 का स्टॉप लॉस लगा करके आप बाइंग पोजीशन फ्यूचर में भी इसको बना सकते हैं, और आप यहां से टारगेट 77 और 96 का वेट कर सकते हैं। मुझे बिलीव है कि ये 96 तक जाएगा, तो आपको अगर यहां से भी 26 रुपया मिलता है तो 30-40% हो गया, अब आपको इससे ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट क्या मिल सकता है। फिर भी चलिए आपको कोई पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही इस पर पोजीशन बनाएं, और देखने के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को और भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें, दूसरों को शेयर करें, कोई PNB का हो सकता है किसी के पास फंसा हुआ है तो उनको एवरेज करने में यहाँ पर अच्छा रहेगा, अगर वो इस लेवल पर एवरेज करते हैं तो भी उनको फ़ायदेमंद मिलेगा, अगर ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बस बाकी आप ऐसे वीडियो देखते रहें और शेयर करें, कमेंट करें, लोगों को और भी फॉरवर्ड करें, तो हमें और भी अच्छा लगेगा वीडियो देखने के लिए।